हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 12, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियाँ। पिछली वीडियो में हमने इनके नाम जो है संक्षेप में इनको समझ लिया था। आज हम इनको डिटेल में और उनकी अभिक्रियाओं को समझेंगे कि कैसे इनको बनाया जाता है। तो पहली विधि हमारी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। एल्कोहल का सामान्य सूत्र आपको बता दें कि जो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है वो होता है RCH2OH। ये प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र है। अगर आपको द्वितीय एल्कोहल का सूत्र याद रखना है तो यहाँ पर R की मात्रा बढ़ाते जाइए और हाइड्रोजन यहाँ से कम करते जाइए जो कार्बन के पास में है। तो यहाँ पर हो जाएगा R2CHOH। देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, अगले वाले में एक हाइड्रोजन बचा, लेकिन कार्बन जो आपके आर हैं एल्किल समूह उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से तृतीय एल्कोहल का सूत्र R3 हो जाएगा, जो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन वो भी निकल जाएगा और OH यहाँ पर बचेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों एल्कोहलों के सूत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर जो अभिक्रिया कराना है, सामान्य एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम प्राथमिक एल्कोहल ना RCH2OH की क्रिया करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो ये ऑक्सीकरण जो होता है किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, अम्लीय होता है। और आपको इस तीर के ऊपर यहाँ पर जो है K2Cr2O7 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो तीर के ऊपर आप K2Cr2O7 लिखेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन कहाँ से मिला अपन को, K2Cr2O7 से। तो जैसे ऑक्सीकरण करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये RCHO आप ये इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं, आपका ये R, ठीक है, ये वाला R और यहाँ से ये CH और ये O, या फिर ये वाला आप कार्बन एक कोई सा भी कार्बन समझ लें, RCH और आप इस प्रकार से R, ये R हो जाएगा, ये C और H और O ये हो जाएंगे आपके जो दोनों हाइड्रोजन बचे हैं ये वाले बीच के, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O1 के बाहर निकल जाएंगे। इनमें से जो कोष्टक में लिखा है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जितनी मात्रा में चाहिए उतने पर्याप्त हैं। अगर आपको बैलेंस करके समझना हो तो आप यहाँ पर आगे 2 भी लगा सकते हैं ऑक्सीजन के आगे, या इसको O2 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। अगर आप इस R की जगह पर आप चाहें तो CH3 भी रख सकते हैं, तो आपका CH3CHO बन जाएगा, यानी एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर हमने दूसरी अभिक्रिया करवाई है आपकी द्वितीयक एल्कोहल से, और द्वितीयक एल्कोहल से क्योंकि हमने प्रश्न में आपको बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रकार के जो है अभी उत्पाद हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल आपका एल्डिहाइड दे रहा है और द्वितीयक एल्कोहल आपका कीटोन देगा। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन हम एल्कोहलों से बना सकते हैं। तो द्वितीयक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो यहाँ पर आपका कीटोन बन जाता है। और कैसे बना, तो वो देखिए, यहाँ पर आपके पास दो R हैं, तो R आपका ये हो जाएगा और C और O आपको यहाँ से मिलेगा, तो हो जाएगा RCOR। बचे आपके पास एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और H2O इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एसीटोन बन जाता है और यहाँ पर एल्डिहाइड भी बन जाता है। इसके बाद हमारी दूसरी अभिक्रिया आती है कि एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, बी हाइड्रोजनीकरण, जिस भी शब्द के आगे बी लग जाए मतलब उसमें से वो चीज़ें निकलती हैं। जैसे बी हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन के आगे बी लगा, इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अगर बी नाइट्रीकरण होता तो उसमें से जो नाइट्रो समूह है वो बाहर निकलता। बी हेलोजनीकरण होता तो उसमें से हेलोजन निकलता बाहर। तो इस प्रकार से आप समझ जाएँ कि जब भी बी शब्द लग जाए तो मतलब वो उसमें से निकलता है। तो एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, आप देखिए। तो प्राथमिक एल्कोहल जब विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड देते हैं, और जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं वह कीटोन देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम इसमें से हाइड्रोजन निकालें तो क्या बन रहा है हमारा, तो ये बन रहा है R, ये हो रहा है आपका C और यहाँ से ये HO। बाकी आपके पास बचते हैं ये दोनों हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये दोनों गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार से हमारे पास RCHO मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर ये द्वितीयक एल्कोहल है, आप द्वितीयक एल्कोहल को भी इस प्रकार से आप चाहें तो CH3 लिखा है यहाँ पर, R2 भी लिख सकते थे, R2CHOH इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो CH3 दिख रहा है ये CH3, इसकी जगह पे आप RCOR भी यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी आपके बचते हैं दो हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, दोनों कौन कौन से, एक ही वाला और एक ही वाला, दोनों हाइड्रोजन आपके H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे और CH3CO CH3 आपके पास बच जाते हैं, क्योंकि दो CH3 हैं तो एक एक दोनों साइड हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि एसीटोन का सूत्र RCOR होता है, CO बीच में रहेगा और जो R समूह है आपका बगल बगल में जुड़ जाएगा। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया हमारी आती है बसा अम्लों के कैल्शियम लवण से।
तो वसा अम्लों का कैल्शियम लवण से मतलब है कि इसमें वसा अम्ल तो होंगे, ये अम्ल आपके दिख रहे होंगे आपको, लेकिन साथ में कैल्शियम होगा इसमें। देखिए सभी में कैल्शियम है अभिकारकों में, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं वसा अम्लों के कैल्शियम लवण से। तो वसा अम्लों का कैल्शियम लवण या इसके मिश्रण का मतलब हम इनमें से कोई से अभी कैल्शियम लवण लें या फिर इनके मिक्सचर लें तो शुष्क आसवन जब हम करवाते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने लिया है ये कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट है। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी ए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एच सी डबल ओ और एच सी डबल ओ, ठीक इस प्रकार से। ठीक है, एच सी डबल ओ दो बार है इसलिए एच सी डबल ओ आपने इस प्रकार से लिख लेंगे। और इस प्रकार से आप लिखने के बाद यहाँ पे जैसे ही शुष्क आसवन करवाएंगे तीर के ऊपर, आप यहाँ पे लिखेंगे शुष्क आसवन और यहाँ पर गर्म का निशान बना देंगे। ठीक है, जैसे ही गर्म का निशान बनाएंगे तो इस प्रकार से गर्म करने पर क्या हो जाता है, एक कैल्शियम जो है CO3, अब आपके पास दिख रहा होगा आपको दो ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है, दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, तो चार ऑक्सीजन में से तीन ऑक्सीजन इस कैल्शियम के साथ में निकल जाते हैं, और आपके पास जो कार्बन है वो एक, ये कार्बन भी इसके साथ निकल जाता है CaCO3 के रूप में। अब आपके पास बचता है HCHO1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास जो HCHO है वो इस प्रकार से, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है आपके पास क्योंकि ट्वाइस, ठीक है, दो हाइड्रोजन हैं, ये दो हाइड्रोजन क्यों हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। आपके पास दो कार्बन में, तो एक कार्बन का उपयोग यहाँ हो गया और एक कार्बन का यहाँ पर हो गया है। चार ऑक्सीजन थे तो चार ऑक्सीजन में से तीन यहाँ कर लिए और एक यहाँ पर हो गया, तो इस प्रकार से आपका ये बन जाता है। ये तो था सिंपल सिर्फ अकेला, यहाँ पर अपन ने मिक्सचर लिया है और यहाँ पर एक कैल्शियम फॉर्मेट है और एक कैल्शियम एसीटेट है, दोनों का यहाँ पर जब शुष्क आसवन करवाया गर्म किया तो यहाँ पर आपका एसीटाल्डिहाइड बना और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बना। इसी प्रकार से फिर हमने यहाँ पर लिया कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म किया तो यहाँ पर एसीटोन बना और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर अभिक्रिया हो जाती है, और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये दोनों, क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाता क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को का शुष्क आसवन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको पता हो कि एसीटोन बनता है। और इसके बाद हमारी चौथी अभिक्रिया आती है कि वसा अम्लों के शुष्क आसवन से। तो वसा अम्लों के यहाँ पर अम्ल है, कैल्शियम लवण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैल्शियम नहीं दिख रहा होगा आपको किसी भी समीकरण में, लेकिन वसा अम्ल है। तो यहाँ पर फार्मिक अम्ल के दो अणु लिए, फार्मिक अम्ल के दो अणु लिए, इनमें से आपका एक अणु बन जाता है फार्मल्डिहाइड में, बाकी CO2 और H2 में ये टूट जाते हैं। इसके बाद एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल का मिक्सचर लिया हमने, तो यहाँ पर आपका बनेगा आपका एसिटाल्डिहाइड और CO2 और H2। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जब भी हम वसा अम्लों के शुष्क आसवन करवा दें तो CO2 और जल इसमें से ज़रूर निकलता है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने एसीटिक अम्ल के दो अणु लिए तो यहाँ पर आपका एसीटोन बन रहा है, और यहाँ पर जब मिक्सचर ले रहे हैं तो यहाँ पर एसीटाल्डिहाइड बना, और जब फार्मिक अम्ल ले रहे हैं तो यहाँ पर फार्मल्डिहाइड बना। दो समीकरण में आपका एल्डिहाइड बन रहा है और एक में एसीटोन बनता है। ठीक है, थ्योरी पेपर में नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कर जब शुष्क आसवन करवाते हैं तो क्या बनता है। आपको ये अभिक्रिया अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत आए आपको तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम देखते हैं चौथी अभिक्रिया हमारी, जो कि नाम वाली अभिक्रिया है, रोजन नमन अभिक्रिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछी जाती है कि जब किसी अम्ल क्लोराइड आपका ये है इसको बोल रहे हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पर एसीटिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अम्ल क्लोराइड हमें एसीटिल क्लोराइड को बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एसीटिक अम्ल से मिलकर बना हुआ है, एसीटिक अम्ल पर ही क्रिया करवा कर एसीटिल क्लोराइड बनाया गया है। तो जब किसी अम्ल क्लोराइड को जाइलीन, यहाँ पर आपका ये जाइलीन अकेला लिखना है, जाइलीन विलयन, एक विलयन होता है विलायक की तरह, जो विलायक का काम करता है इसको हम इसमें घोलते हैं, तो जाइलीन विलयन में लेकर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, ये पैलेडियम है धातु है और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है पैलेडियम के लिए, जिसकी अभिक्रिया में जो है धीमे धीमे चलती है। ठीक है, तो अम्ल क्लोराइड को जाइलीन विलयन में लेकर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और इस अभिक्रिया को हम रोजन मन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जो है अपचयन करवाया हाइड्रोजन से, इनकी उपस्थिति यहाँ पर तीर के ऊपर लिखना है आपको, और जैसे ही करवाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका आ जाएगा यहाँ पर तो बन जाएगा CH3CHO, और एक हाइड्रोजन आपका Cl के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा HCl, तो दोनों हाइड्रोजन इस प्रकार से बन जाएंगे और आपका जो है एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद हमारा आता है पाँचवा, जो कि एल्काइनों के जलयोजन से है। एल्काइन ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार पूछी गई है। तो एल्काइनों का जलयोजन कैसे होता है, तो एल्काइन जैसे कि एसिटिलीन, एल्काइन में कौन आ जाता है एसिटिलीन, एसिटिलीन जैसे को 42% H2SO4
कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कंडीशन दे के बताते हैं वो, तो इस कंडीशन से आपको पहचानना है कि इसमें क्या बनता है। तो 42% H2SO4 और 1% आपका HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट विलयन में लगभग 60 डिग्री पर जब प्रवाहित करते हैं तो जल के अणु का योग हो जाता है और हमें एल्डिहाइड मिल जाता है, यानी एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर C2H2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर त्रिपल बंध नहीं लगता है या मोबाइल में ऐसे टाइप नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर C2H2 इसमें लिख दिया। तो आप इस अभिक्रिया को चाहें तो इसको CH त्रिपल बंध CH इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर H2O की क्रिया करवाएं। अब H2O में से आपके दोनों हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CH3 और ये ऑक्सीजन हो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CHO। तो इस प्रकार से CH3CHO ये बन जाएगा और आपके एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद आपका C3H4 जो लिखा है इसको आप चाहें तो इस प्रकार से लिख लें CH, और ये आपका यहाँ पर सिंगल बंध रहेगा और एक जगह त्रिपल बंध रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा CH3। ठीक है, CH3C। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, इसलिए 4 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख दिए और H2O की क्रिया करवा दी। तो ये जो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखें इसको, जिसके आपको समझ में आए। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करवाना, जल की क्रिया। जैसे जल की क्रिया करवाएंगे तो CH3 तो अपनी जगह जाएंगे, तो वहाँ देखिए यहाँ पर अब आपको ये जो ऑक्सीजन है वो दूसरे वाले यहाँ पर जोड़ देना है कार्बन से, जिससे हो जाएगा CH3CO और बाकी जो आपके जो दो हाइड्रोजन हैं वो दोनों हाइड्रोजन जोड़ जाएंगे इस वाले हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार से भी हो जाएगा CH3। जैसे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यहाँ से बंध टूट जाएंगे, बचेगा आपका सिंगल बंध और इस प्रकार से आपका जो CH3CO CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे एल्काइनों का जलीय वजन से। और आपको एक कंडीशन जो है तीर के ऊपर यहाँ पर जरूर लिख देना, 42% H2SO4 और 1% HgSO4, क्योंकि इस कंडीशन पर ही होती है, दोनों तीरों के ऊपर आप यहाँ पर लिख लें। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट अभिक्रिया जो कि है स्टीफन अभिक्रिया। ये भी नाम वाली अभिक्रिया कहती है और जो इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें मैं जो एल्किल साइनाइड, जिसको हम मैथिल साइनाइड बोल सकते हैं क्योंकि CH3 लिया हुआ है यहाँ पर R की जगह पर, तो मैथिल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड और HCl द्वारा आप चयन करवाते हैं। तो स्टेनस क्लोराइड आपको यहाँ पर तीर के ऊपर SnCl2 लिख देना है और ऑब्लिक लगा के HCl लिख देना इस प्रकार से तीर के ऊपर। तो इनके द्वारा जब आप चयन करवाते हैं तो पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, मध्यवर्ती यौगिक ये है आपका, और जिसका हम क्या करवाते हैं फिर जल अपघटन। तो ये जल अपघटन में आपको जल की क्रिया करवाना, उससे एल्डिहाइड बन जाता है और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कैसी हुई अभिक्रिया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका आ जाएगा कहाँ पर, कार्बन के पास, जिससे हो जाएगा CH3CH, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा एन के पास, तो हो जाएगा CH3CHNH, जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। मध्यवर्ती का मतलब ये इस रूप में नहीं रहता है, जल्दी ही क्या हो जाता है बदल के इस प्रकार से भी बदल जाता है स्थायी यौगिक में। अब ये कैसे टूटा, देखिए जैसे जल अपघटन करवाया तो ये जो ऑक्सीजन है वो आ जाएगा यहाँ पर CH के पास, तो ये हो जाएगा CH3CHO, बाकी जो दो हाइड्रोजन बचे वो दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस NH से और इस प्रकार से बन जाएगा NH3 यानी अमोनिया। तो इस प्रकार से बन जाते हैं एसिटल्डिहाइड। तो ये थी हमारी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल पर, और इसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहें। आपके पेपर की जल्दी ही डेट आने वाली है, ठीक है, आपके पेपर ज़रूर होंगे, इसलिए आप अपनी पढ़ाई ना रोकें और टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।